तो भैया जी से परिचय पूछते हैं, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों को लेके जा रहे हैं? कहाँ? हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लोगों को बताते हैं, इनके विचारों को से ही भारत जो है शक्तिशाली बन सकता है, जिसे हमारा कहने का ये उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जीवन में अपने परिणित कर अपना अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दें। तो स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें लेके अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम जा रहे हैं अमेठी, जाएंगे सुल्तानपुर, पहले सुल्तानपुर से अमेठी, BHL, BHL से फिर जाएंगे लखनऊ। अच्छा, आजकल की युवा स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे इनके बारे में? मतलब कि लगभग जान तो जाते हैं, कोई कोई तो भूल गया है कि इनके जो स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के लिए मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व जीवन दान दे दिया, लेकिन आजकल इनके आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, यह नारा किसका है और किस उद्देश्य से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है उनका फ्यूचर, भविष्य क्या, भविष्य में क्या करना है, क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, इस संबंध में हमने बहुत सारे विद्यार्थियों से बात की। तो कुछ विद्यार्थियों का कोई लक्ष्य भी, कोई लक्ष्य ही नहीं है भारत में, और लक्ष्य भी बिना लक्ष्य के तैयारी किए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं लोग, और पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, शिक्षा को लोग भूल जा रहे हैं। अभी मैं मैजिक से हूँ, अभी भी लगभग जौनपुर में के सीमा के अंदर बदलापुर विधानसभा क्षेत्र आता है, अभी मैं वहाँ हूँ और धनिया मऊ के पास हूँ। दोस्तों, तो भैया है, आपका क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम रणजीत निषाद है। रणजीत निषाद, तो क्या लगता है आपके युवा आपकी बातों को समझेंगे? समझेंगे, युवा और बच्चे दोनों ही समझेंगे। वो एक दिन इतना मेहनत करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी को अभी तो शुरुआत हुई है, स्वामी विवेकानंद युग आएगा और बच्चे जो है ज्ञान विज्ञान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करेंगे, ये भारत को महाशक्ति बनाएंगे। दोस्तों, मेरा रोआ खड़ा हो जा रहा है, भैया जो बात बोल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान और तकनीकों के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हर लोगों का कर्तव्य है। और मैं वीडियो बनाने का मकसद यह है कि भैया एक हाथ से स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को ले जा रहे थे और दूसरे हाथ से साइकिल चला रहे थे और काफ़ी दूरों से आ रहे हैं, और ये जो हम ये अखंड भारत कैसे निर्माण होगा जब तक युवा जागरूक नहीं? हाँ, युवा को पहले तो निर्भयता की शिक्षा दी जाएगी, उनके मन की अपरिमित बल की शक्ति बताई जाएगी, बच्चों में असीमित शक्तियों के बारे में उनको बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, इतना शक्ति उनके अंदर भर दिया जाएगा, तब बच्चे जाकर जो है भारत को पुनर्जीवित करेंगे, ज्ञान विज्ञान तकनीकियों से लैस करेंगे और सारे देश में जो है पूरी दुनिया में भारतीयों का नाम रोशन होगा। और ये जो पाकिस्तान टूटा हुआ है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, इधर जो है म्यांमार, भूटान, बर्मा और श्रीलंका है, ये सब एक दिन भारत इतनी तरक्की करेगा जो है, और इसके तरक्की को देखते हुए वो हाथ पैर जोड़ते हुए कि हमें आपस में मिला लिया जाए, इस तरह से वो आएंगे भारत में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं और मैं एक प्रश्न पूछूंगा, ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ दिन पहले संघर्ष कर रहे हैं, युवा संघर्ष कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, और यहाँ के भ्रष्ट नेता कब सुधरेंगे, क्या लगता है? देखो, कुछ आदमी पैसे के लालच में भी नहीं जानते कि हमें सजा होगी तो सजा हम सुन लेंगे। जैसे मान लो अभी हमारी इनकम स्रोत 50 लाख की है, हम 50 लाख कमाएंगे, अगर 20 करोड़ रुपया दे दिया जाता है तो अपने नौकरी को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नौकरी से ज़्यादा हमें इतना पैसा मिल रहा है, इसलिए वो जो है गद्दारी कर जाते हैं। ऐसे गद्दारों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे गद्दारों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के जो इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके खून पसीने, उनके दिन रात के संघर्षों को लीक करके उनके पेपर को एक गलत कर रहे हैं। आजकल के हमारे युवा जितने भी विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की कोई जात नहीं होती, विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, मैं यही कहता हूँ, और सभी विद्यार्थी जागरूक हो चुके हैं, और जब सभी बेरोजगार एकजुट हो सकते हैं और एकजुट होकर प्रहार करेंगे तो सभी नेता सुधर जाएंगे, नेताओं के अंदर डर पैदा होगा और सभी ईमानदारी से काम करेंगे और सिस्टम में सुधार होनी चाहिए। हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं हर जगह। अभी भैया हैं स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को देखे तब अपनी गाड़ी रोके हैं और बहुत ही अच्छा लगा, अखंड भारत निर्माण के लिए साइकिल से जा रहे हैं, और क्या कहना है दोस्तों, बहुत ही आनंदित हूँ, गर्वमान्वित महसूस हो रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है हमारे आसपास के क्षेत्र में है, लोग ऐसे लोग भी हैं जो इनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। अभी मैं लगभग बहुत सारे लोगों से मैं बात करूँगा स्वामी विवेकानंद के बारे में,
कौन है और शिकागो में जो भाषण दिया था क्या लोगों को मालूम है? और इस संबंध में मुझे बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिलकर। जय हिंद भैया। जय हिंद। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, चलते हैं ब्लॉग में।